साल का यीशु नाम का लड़का सूरत नगर से अगर किसी को मिले तो एक तरफ को पूछ रहे हैं उसके परिजन यहाँ ढूंढ रहे हैं। मंदिरों पर पानी भिजवा लो, पानी सभी साथ प्रसाद में लगा लो पानी के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रताई जी का, बहुत बढ़िया भजन सुनाया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा भाई हमारे वार्ड नंबर 13 से मोहित राठी पार्षद है, आप मानिए आज आप इस चुनाव को जीतने वाले हैं। कोई शक नहीं कि आप चुनाव में पीछे रह जाए। जिस तरीके से आपने छोटे से नोटिस पे ये जन सैलाब आज हमारे सामने दिख रहा है, तो कौन आपको हराने वाला? दूसरी पार्टियों का भी साथ देख लीजिए, ये जनता, ये लोग, ये हमारे परिवार के लोग, ये बिकाऊ नहीं है, ये पैसों की भीड़ नहीं है, ये दिल से हमारे साथ है। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग जीतने वाले हैं। आने वाली 5 तारीख को नारसरी से निवेदन करता हूं इसी तरीके से एकजुट होकर अपने परिवार को और बड़ा करें और इस चुनाव को जीतने में आप एक दूसरे की मदद करें। आप सभी आप पहुंचे, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं, समय का आभार है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये झंडे वाले झंडा में मत नहीं चमत रखे भाई, झंडे को उठा के रखो। अब मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे बीच में गठबंधन की पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी हमारे साथ है और बहन मायावती ने अपने साथियों को आदेश और निर्देश देकर भेजा है, अपने बहुजन समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा चश्मे के सामने वाला बटन दबाना है, यह आदेश देकर भेजा है। उस आदेश को आपके बीच में सुनाएंगे भाई आजाद चोपड़ा जी, जो बीएसपी के प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर हैं। आजाद चोपड़ा जी, धन्यवाद। सैन साहब, आज इस जन सैलाब में पहुंचे, विशेष तौर पर भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति, जोर के और प्यारे बच्चों, आज ये जो आज हुजूम आप लोगों ने दिखाया, इसे एहसास हो गया कि बहादुर की सीट पर
बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की संयुक्त उम्मीदवार श्रीमती शीला नभे सिंह राठी जी चुनाव जीत रही है, तो मैं समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि किसी की बहकाई में ना आए और एकजुट होकर 5 अक्टूबर को तस्वे के सामने वाला बटन दबाकर अपनी नेता शीला नभे सिंह राठी जी को कामयाब बनाए। ज्यादा बातें क्योंकि बहुत नेता है, मैं तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एडवांस में इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि चंडीगढ़ पहुंचेंगे, कोई रोक नहीं सकता। सभी को मेरी तरफ से जय भीम जय भारत नेता देवरा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद चोपड़ा जी का। दंड शब्दों में अपने भाइयों को समझाने की कोशिश की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे बीच में भक्त पहलवान जी है, ये गवाह है जीत का, शीला राठी को पक्का से पक्का वोट देकर कामयाब बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा भाई राम धन दलाल हमारे चैनल नंबर मैं प्रार्थना करूंगा आसोदा गांव के पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह दलाल से। महेंद्र सिंह दलाल से मैं प्रार्थना करूंगा, वो चर्चा करके आए और अपनी बात भी रखे और रखे अपना संदेश है। तो भी महेंद्र सिंह दलाल जी विषय के भाई विजेंद्र दलाल पार्षद मंच के पास आ जाए गवर्नमेंट के लिए। मैं प्रार्थना करूंगा भाई महेंद्र दलाल का बहुत बहुत धन्यवाद है, कम शब्दों में अपनी बात रखी। मैं प्रार्थना करूंगा वार्ड नंबर 21 से हमारे पार्षद हैं भाई विजेंद्र दलाल जी, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा वो भी आए अपनी बात रखी। सम्मान्य मेरे सामने बैठे पार्षद शक्ति समय बहुत थोड़ा दिया मेरे को, आपको ये रेला तो दिख गया है, ये भी कह रहा है कि हमारी जीत कन्फर्म हो चुकी है। साहेब का वो लगे हुए है, कभी गेट एक कभी गेट ऐसा है मैं जो अपना तन मन धन सब कुछ लुटाने पर लग गया है। अगर कोई देखता आना तो उसके ले लियो भैया पैसे, कोई सिक्का दे रहा है सिक्का भी ले लियो, पर वोट हमें दे दियो। किसी को कोई बनाई नहीं है बाहर बैठी, अगर वो उनको दे है और कुछ भी दे वो भी ले लियो, पर वोट हमारे को दे दियो। ये आपका निवेदन है, समय थोड़ा दिया है, आने वाली थोड़ा डाला है इसको सब सबसे पहले और काम बाद में करना, पहले चश्मे के निशान पे मोहर मार के आना और शीला राठी जी को विजय बनाना, यही मेरी आप लोगों से निवेदन है। जय भारत जय भीम।
बहुत बहुत धन्यवाद है भाई विजेंद्र दलाल जी का। हम प्रार्थना करूंगा हमारे बीच में बहुत ही दुधारू मेहनती नफे सिंह राठी की प्रतिमूर्ति उसी तरह काम करने में कठोर निर्णय देने वाले काम करने में सक्षम है। देश की जो जबान कर दी उसका चाहे सरकारी तौर पे ना हो अपनी जेब से काम करने वाले आदरणीय वार्ड नंबर 9 से हमारे युवा पार्षद मैं जितेंद्र राठी से प्रार्थना करूंगा वो आए अपना संदेश दें और अपनी मां के लिए 5 तारीख के लिए कस्बे के सामने वाला बटन दबा के ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जताने के लिए आप लोगों से प्रार्थना करें भाई जितेंद्र राठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद रामनिवास सैनी जी। आदर में सम्मान के योग मेरे बुजुर्गो बसपा के हमारे पदाधिकारीगण मंच पर विराजमान वरिष्ठ नेतागण मेरे साथी पार्षद और आप सबके बड़े चहीते मेरे बड़े भाई भाई कपूर भी पहुंच गए उनके लिए भी कार्य से स्वागत कर दीजिए। आज मेरे से पहले अनेक वक्ताओं ने बड़े विस्तार से आपको बताया कि चुनाव का माहौल क्या है चुनाव का रंग क्या है। रंग सिर्फ एक है नीला और हरा मिला के जो हमारा चल रहा है सिर्फ वही रंग चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ पीला राखी का चुनाव चल रहा है बाकी किसी का चुनाव नहीं है। और साथियों बार बार आप लोगों को लोग लुभावने बाजी करके तरह तरह की लालच देके आपको बदलाने का काम लोग करेंगे आपको बेचने का काम करेंगे। आज जो आपको खरीदने आए हैं कल वो आप ही को बेचेंगे उस बात को आप याद रखना उन 5 सालों को याद रखना जो आने वाला भविष्य आप तय करोगे। 5 तारीख को 5 सेकंड आपके लगेंगे पुराने वाले भविष्य के 5 सालों की आपकी गारंटी होगी आपके विकास की गारंटी होगी आपके विश्वास की गारंटी होगी आपकी तरक्की की गारंटी होगी आपकी सुरक्षा की और गारंटी होगी एक नए बहादुरगढ़ के निर्माण की। साथियों आज जो घोषणा पत्र हम जारी करने जा रहे हैं ये पार्टी से अलग बहादुरगढ़ की मांग का घोषणा पत्र है। बहादुरगढ़ के न्याय